एम्पियर मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट पे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में है, जिससे कि व्हील स्कीट होने का चांस कम हो जाता है, तो स्कूटर भी नहीं गिरेगा और आप भी नहीं गिरोगे। एम्पियर मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब है आप स्कूटर से बैटरी को निकाल के कहीं भी इजिली चार्ज कर पाओगे। बैक लाइट और इंडिकेटर लाइट्स पे कंपनी ने एलईडी के जगह हैलोजन बल्ब का यूज किया है, जो कि नॉर्मली पेट्रोल स्कूटर्स पे देखने को मिलता है। यह है मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ से आप बहुत ही इजीली स्कूटर को चार्ज कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से ईवीस्तान यूट्यूब चैनल पे। और आज आप देख सकते हैं हमारे सामने है एम्पियर कंपनी के तरफ से एम्पियर का मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। और आज के वीडियो पे हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का पूरा डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंचाने का। तो दोस्तों, इसी के साथ में अगर हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की फ्रंट लुक की बात करें तो सामने से ओवरऑल एम्पियर मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ ऐसा दिखता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर हम हेडलाइट पोजीशन की बात करें तो इसका हेडलाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो की एलईडी में है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको एलईडी लाइट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो की चाबी ऑन करने के साथ में ही जल जाएगा। आप देख सकते हैं चाबी ऑन करने के साथ में ही इसका जो एलईडी लाइट्स है वो जलना चालू हो गया, इसको आप ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको फाइबर प्लास्टिक का बॉडी देखने को मिल जाता है, जो कि एक्चुअली में काफी मजबूत भी है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको जो है हैलोजन इंडिकेटर दोनों ही साइड पे देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये पहचान है स्टील कलर का फ्रेम, जो कि एम्पियर मैग्नस ईएक्स में काफी बढ़िया लगता है। आप इसका कलर कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, काफी शानदार लगता है और रेड कलर पे भी ये काफी बढ़िया लुक्स देता है, दूर से भी काफी शानदार लगता है। और एम्पियर मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर हम फ्रंट व्हील की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट पे आपको 10 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, लोहे का रिम देखने को मिल जाता है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में है। और आपको डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे देखने को मिल जाता है। इसका मडगार्ड की क्वालिटी की बात करें तो काफी बढ़िया क्वालिटी का मडगार्ड भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट से तो हो गया, अब इसके साइड पैनल की बात करें तो साइड से एम्पियर मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ ऐसा दिखता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साइड पे आपको यहाँ पे मॉडल नेम मैग्नस ईएक्स देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको डेडिकेटेड लेडीज फुट रेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसकी मोटर की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको एक 2.1 किलोवाट का हाई क्वालिटी बीएलडीसी हब मोटर देखने को मिल जाता है, जिससे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। इसी के साथ में दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी की बात करें तो इसका बैटरी पैक इसके सीट के नीचे फिक्स किया गया है, जिसको कि आप रिमूव भी कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे पहले आप बूट स्पेस चेक कर लीजिए, कुछ इतना बूट स्पेस आपको एम्पियर मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर पे देखने को मिल जाता है। इसके नीचे इसका बैटरी पैक है, बैटरी पैक को रिमूव करने के लिए इसका जो बोर्ड है इसको सबसे पहले हटाना पड़ता है, तब इसका बैटरी पैक जो है वो विजिबल हो जाता है। एम्पियर मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक 2.93 किलोवाट आवर का हाई क्वालिटी एलएफपी केमिस्ट्री के साथ में लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिल जाता है, जिससे कि मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेंज आपको 100 किलोमीटर से भी ज्यादा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, आप इस बैटरी पैक को रिमूव करके कहीं भी चार्ज तो कर ही सकते हैं। और कंपनी ने इस बैटरी पैक पे और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीएलडीसी हब मोटर में टोटल 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर तक वारंटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। इसके बोर्ड को अब हम बंद कर देते हैं और इस एम्पियर मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑन करने का सबसे पहला स्टेप है इसके एमसीबी को ऑन करना है, जिससे कि इसके सर्किट पे पावर सप्लाई चालू हो जाता है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको एक बूट लाइट भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक काफी बढ़िया फीचर था मेरे हिसाब से। इसको ऑफ करने के लिए एक छोटा सा स्विच भी दिया गया है, जब इसका सीट नीचे आएगा तब ये बूट लाइट ऑटोमेटिक ऑफ
हो जाएगा। तो स्कूटर ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे एक मैनुअल की देखने को मिल जाता है, जिसको स्कूटर पे लगा के घुमाने से ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ऑन हो जाता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक सेफ्टी फीचर्स भी है, जो कि यह चाबी घुमा के ऑन करके ही अगर हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का थ्रॉटल घुमाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं चलता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आपको एक इग्निशन स्विच देखने को मिल जाता है, इसको प्रेस करने के बाद में ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटर रेडी मोड पर आता है, फिर थ्रॉटल घुमाने से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है आगे जाने लगता है। अब हम मैग्नस EX इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्विचिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड पे आ जाता हूँ। लेफ्ट पे सबसे पहले आपको इंडिकेटर का स्विच देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर ऑन करने से आपको यहाँ पे इंडिकेट भी करेगा। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिल जाएगा, हॉर्न का स्विच मिल जाएगा। हॉर्न आपको सुना देता है, काफ़ी लाउड हॉर्न है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। आपको रिवर्स मोड का स्विच भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो राइट पे आपको सबसे पहले स्पीडो मोड का स्विच देखने को मिल जाएगा, कौन से मोड पे है चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में इलेक्ट्रिक स्कूटर का हेडलाइट ऑन करने के साथ में ही आपको यहाँ पे इंडिकेट भी करेगा कि हेडलाइट ऑन है। तो गाइस चलिए देख लेते हैं एम्पियर मैग्नस EX इलेक्ट्रिक स्कूटर पे कौन से मोड पे कितना स्पीड देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले लो मोड पे अगर हम इसका थ्रॉटल घुमाते हैं तो एम्पियर मैग्नस EX इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको 34 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड देखने को मिल जाता है। और इसको अगर हम हाई मोड पे देते हैं फिर थ्रॉटल घुमाते हैं तो एम्पियर मैग्नस EX इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको 61 किलोमीटर पर आवर का स्पीड देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ये इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्विचिंग सिस्टम वगैरह है। यहाँ पे आपको थ्रॉटल देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड का ब्रेक देखने को मिल जाएगा और राइट साइड का ब्रेक यहां पे देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की लेग स्पेस की बात करें तो कुछ इतना लेग स्पेस आपको एम्पियर मैग्नस EX इलेक्ट्रिक स्कूटर पे देखने को मिल जाता है। बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, आप अपना थोड़ा मोड़ा सामान वगैरह और पैड भी इजीली रख पाओगे। आपको यहां पे एक हैंगर देखने को मिल जाता है जहां पे आप अपना थैली वगैरह बैग वगैरह हैंग कर पाओगे, 3 kg तक सामान। इसी के साथ में इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए आपको यहां पे एक चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है जहां से आप इजीली आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर पाओगे। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 6 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ में अगर हम एम्पियर मैग्नस EX इलेक्ट्रिक स्कूटर का वारंटी डिटेल्स और प्राइस की बात करें तो एम्पियर मैग्नस EX इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको जो BLDC हब मोटर देखने को मिल जाता है, इसके BLDC हब मोटर में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी पैक में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में आपको जो कंट्रोलर मिलता है उस कंट्रोलर में और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के चार्जर में आपको जो है टोटल 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर तक की वारंटी देखने को मिल जाता है। अब मैग्नस EX इलेक्ट्रिक स्कूटर की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो फिलहाल वेस्ट बंगाल के लिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का ऑन रोड प्राइस है 1,13,999 रुपीस। और अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर किसी भी स्टेट से देख रहे हैं तो आपके स्टेट का क्या ऑन रोड प्राइस है वो आप अपने नजदीकी एम्पियर शोरूम पे विजिट करके पता कर सकते हैं। और अगर आप वेस्ट बंगाल के कोलकाता या फिर हावड़ा से है एम्पियर का मैग्नस EX इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इजीली कॉन्टैक्ट करके अपने मैग्नस EX इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपका इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सिर्फ EVSTAN YouTube चैनल पे ही आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड वीडियोस इतने डिटेल में देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलते हैं और भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड वीडियो के साथ में।